चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को 15 साल पुराने केस में 10 साल की सजा सुनाई है। बाबा राम रहीम के 376, 511 और 506 धारा के तहत इन्हें सजा दी गई है। बाबा राम रहीम को 25 अगस्त को दोषी ठहरा दिया गया था, लेकिन उन्हें सजा सोमवार को सुनाई गई है। सुरक्षा को देखते हुए रोहतक जेल में ही कोर्ट बनाया गया था। दोनों पक्षों के वकील ने जज के सामने अपना अपना पक्ष रखा। इस दौरान बाबा राम रहीम चुपचाप खड़े रहे और वकीलों की दलील सुनते रहे। सुनवाई के दौरान बाबा राम रहीम के आंखों से आंसू निकल गए और वो खूब रोए। रोते हुए बाबा राम रहीम ने जज से माफ़ी भी मांगी। बाबा राम रहीम बोले कि मुझ पर रहम कीजिए जज साहब। आपको बता दें कि पंचकुला से जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर से रोहतक पहुंचे थे। उन्होंने दोनों पक्ष को बहस के लिए करीब 10-10 मिनट का समय दिया। अभियोजन पक्ष ने बाबा राम रहीम के लिए उम्र कैद की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष ने बाबा राम रहीम के लिए एक समाज सेवी है, उन्होंने लोगों की भलाई की के लिए काम किया है, इसका संज्ञान देते हुए सजा में नरमी बरतने के लिए कहा गया था।